दुर्गा कुंड स्थित आदिशक्ति माँ कुष्मांडा दुर्गा मंदिर में 6 दिवसीय श्रृंगार संगीत महोत्सव की द्वितीय निशा में बुधवार को नृत्य के भावों में दिव्य आराधना के भाव सजे। कलाकारों ने सुरलय ताल की त्रिवेणी बहाई। गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में आयोजित संगीतमय अनुष्ठान का आरंभ डॉक्टर प्रेमचंद होम्बल व माला हम्बल की भरतनाट्यम प्रस्तुति से हुआ। कलाकार दंपति ने गणपति आराधना के बाद दुर्गा स्तुति की। संगीत रत्नाकार से लिए गए मालविका कालिदास पर आधारित नृत्य से माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाई। गायन पर डॉक्टर गरिमा टंडन, ईशा नागर, रूपम रघुवंशी, हारमोनियम पर इंदर देव चौधरी व मृदंग पर के विश्वनाथ ने साथ दिया। विशाल कृष्णा के कथक में दुर्गा स्तुति के भाव सजाए। अवंतिका मिश्रा ने भी कथक नृत्य से भाव विभोर किया। रोनू मजूमदार और ऋषिकेश मजूमदार ने बांसुरी पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने बांसुरी की तान छेड़ी और कजरी से मंत्रमुग्ध किया। सपना शिवा की शिष्या रिम्पा शिवा व पंडित योगेश समसी के शिष्य मुंबई की यशवंत वैष्णव ने सोलो तबला वादन में वाहवाही बटोरी। अक्षत प्रताप सिंह ने सुरों से भाव विभोर किया। कलाकारों का स्वागत आयुषित द्विवेदी ने किया। सायंकाल माँ कुष्मांडा के अलौकिक झांकी सजाई गई। पंडित कौशलपति द्विवेदी ने श्रृंगार किया। महंत पंडित आनंद गोपाल द्विवेदी ने घृत कपूर लौबान धूप से आरती उतारी। हलवा घुघरी का भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया। नमस्कार, मेरा नाम पंडित आनंद गोपाल द्विवेदी है। किस तरह कार्यक्रम है आज? कौन कौन से कलाकार जैसा भगवती का वार्षिक बरही उत्सव मनाया जाता है, जिसकी आज दूसरी निशा है। और दूसरी निशा में आज ख्याति प्राप्त कलाकार जो माँ के यहाँ जो हाजिर लगेंगे, जिनमें मुख्यतः रूप से श्री प्रेमचंद होम्बल जी और उनकी श्रीमती माला होम्बल जी और पंडित रोनू मजूमदार जी और उनके पुत्र श्री ऋषिकेश मजूमदार बांसुरी वादन में, और पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और वो अपने संगत कलाकारों के साथ माता के दरबार में हाजिर लगाएंगे। कथक पर कथक नृत्य में पंडित विशाल कृष्ण काशी से माता के दरबार में अपनी हाजिरी देंगे, और भी अन्य का ख्याति व्यक्त कलाकार माता के दरबार में अपनी हाजिरी सुनिश्चित करेंगे। काशी की काशी व पूर्वांचल की जनता से अपील है कि भारी से अधिक संख्या में माता के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगाकर विशेष दर्शन कर पुण्य के भागी बने। और संगीत के प्रेमी लोगों का हार्दिक स्वागत है।